वेलकम स्टूडेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ यूनिटी पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम कामरेज सूरत हाय मयो आचार्य वेलकम्स ऑल ऑफ यू दिस वीडियो इज अबाउट स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर 8 पार्ट 1 सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 8 इंडिया चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस द रूट कॉज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया इज ओवर पॉपुलेशन इंडिया के सारे प्रॉब्लम्स का जो मेन रीज़न है वो ओवर पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या है द कंटिन्यूस एंड रैपिड राइज इन पॉपुलेशन इन द कंट्री फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कोई कंट्री में गिवन टाइम पीरियड में कंटिन्यूस और रैपिड मीन्स फास्ट पॉपुलेशन राइज होता है तो उसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है Population explosion leads to certain man-made challenges such as pollution, congestion in residential areas, shortage of water and food, as well as poor medical services, less educational opportunities, unemployment, poverty, terrorism, corruption, etc. Population explosion से कुछ man-made challenges create होती है जैसे pollution है फिर रेसिडेंशियल एरियाज़ में गीचता हो जाती है वाटर और फूड की शॉर्टेज है पुअर मेडिकल सर्विस लेस एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी टेररिज्म करप्शन जैसी समस्या होती है थस इट इज़ नेसेसरी टू टेक स्टेप्स टू कंट्रोल पोल्यूशन ये पॉपुलेशन से बहुत सारी समस्याओं का निर्माण होता है इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की आवश्यकता अधिक है लिटरेसी इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड न्यू आइडियाज डिस्कवरीज एंड नॉलेज लिटरेसी यानी कि शिक्षा है वो न्यू आइडियाज डिस्कवरीज और नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है एंड एजुकेटेड पर्सन कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट एंड एक्सप्लेन हिज आइडियाज ओपिनियंस व्यूज एंड बिलीव्स शिक्षित व्यक्ति होता है वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है और अपने आइडियाज़ है ओपिनियंस है व्यूज़ है या तो बिलीफ्स है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लिटरेसी रेट वॉज लो बट इट हैज़ गॉन अप सिंस देन हमारा नेशन जब इंडिपेंडेंट हुआ तब लिटरेसी रेट लो था बट उसके बाद वो इनक्रीज हो रहा है इलिटरेसी इज़ अ टबू ऑन द कल्चर ऑफ एनी सोसाइटी इलिटरेसी है वो किसी भी सोसाइटी या समाज के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा सो टू इरेडिकेट इलिटरेसी द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन ई लिटरेसी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रन है उसके लिए प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है वो फ्री एंड कंपलसरी डिक्लेयर की है स्कॉलरशिप फ्री मिड डे मील्स गर्ल एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसीज लाइक विद्यादीप स्कीम रेसिडेंशियल स्कूल्स फॉर ट्राइबल पीपल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम एट्सेट्रा इसके अलावा भी स्कॉलरशिप है फ्री मिड डे मील्स है गर्ल एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसीज है जैसे विद्यादीप स्कीम है ट्राइबल पीपल के लिए रेसिडेंशियल स्कूल है एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम इत्यादि प्रोग्राम गवर्नमेंट रन करती है सिंस 2009 द राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एंड इम्प्लीमेंटेड 2009 से गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE एक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया है द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इसेंशियल कॉमोडिटीज़ एंड अदर नेसेसिटीज़ इज़ नोन एज इन्फ्लेशन जीवन जरूरी सामान की जो प्राइसेस है उसमें बढ़ोतरी उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है Inflation has an adverse effect on people's health and cause stress-related problems. Inflation की एक विपरीत असर लोगों की health पे होती है और stress-related problems create होते हैं. Corruption, hoarding and population explosion bribery
एंड ब्लैक मार्केटिंग एटसेट्रा आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन, करप्शन, फिर होर्डिंग यानी कि जमाखोरी है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, ब्राइबेरी मीन्स घूसखोरी है, और ब्लैक मार्केटिंग है, वो सारे फैक्टर्स इन्फ्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द ओनली वे टू फेस इन्फ्लेशन इज टू प्रैक्टिस थ्रिफ्ट एंड स्पेंड सेंसिबल बाय हैविंग अ बजट प्लान। इन्फ्लेशन को फेस करने के लिए आयोजन पूर्वक कम खर्च करना और बजट प्लान बना के खर्च करना जरूरी है। पॉवर्टी इज अनदर मेजर चैलेंज फेस बाय आवर कंट्री। पॉवर्टी यानी कि गरीबी है, वो एक मेजर प्रॉब्लम है जो हमारा कंट्री फेस कर रहा है। सिचुएशन वेयर इन पीपल डिप्राइव ऑफ बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, एम्प्लॉयमेंट इज टर्म एज पॉवर्टी। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लोगों को जो बेसिक जरूरियात है, नेसेसिटीज है, जैसे फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, एजुकेशन है, मेडिकल फैसिलिटीज है, एम्प्लॉयमेंट है, वो फुलफिल नहीं होती या तो मिल नहीं पाती, उसको पॉवर्टी कहा जाता है। द क्राइटेरियन ऑफ ए पर्सन्स पॉवर्टी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ परचेज पावर एंड लेवल ऑफ हिज और हर इनकम। किसी भी पर्सन है, उसकी इनकम या तो परचेज पावर के बेसिस पे पॉवर्टी को नापा जाता है। एट प्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन गुजरात इज 14.7%। हाल में है गुजरात में 14.7% पीपल है वो गरीबी रेखा के नीचे है। ड्यू टू 5 years प्लान्स एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज हैव मोर एक्सेसिबल। गवर्नमेंट की जो पंचवर्षीय योजना है, उससे एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी है वो सबके लिए इजीली अवेलेबल है। मोर ओवर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज हैज क्रिएटेड मैनी जॉब्स, कोसिक्वेंटली पॉवर्टी हैज रिड्यूस। इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छा होने के कारण बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई और उससे पॉवर्टी भी रिड्यूस हुई है। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर हैज इंक्रीज द इनकम्स ऑफ फार्मर्स ऑल्सो। एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का यूज होने से फार्मर की इनकम है वो भी इंक्रीज हुई है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पार्ट वन वीडियो है वो कंप्लीट होता है। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।